ओके सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हॉलमार्क की, और नेक्स्ट हॉलमार्क हमारे पास क्या है, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस है। ठीक है, अब जब इतनी सारी चीज़ें कर ली और एक जो सेल था वो काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद एक ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि इसने जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, यानी जहाँ पर ये ग्रो कर रहा है वहाँ पर जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं, एक तो उनको अपनी लपेट में लेना है, इन्वेड करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से टिश्यू सेपरेटेड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से और इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। तो ये उस बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टीशियल टिश्यू को इन्वेट करेगा, ना सिर्फ उसको इन्वेट करेगा और सारे टिश्यू को अपनी लपेट में ले लेगा, बल्कि यहाँ पे बाहर क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं। तो इसने क्या करना है, वेसल्स के अंदर भी इंटर कर जाना है, इसको यहाँ से मतलब खुरेदना है, ये डैमेज करना है, और फिर इसके अंदर पियर करना है और इसके अंदर इंटर कर जाना है। और फिर जब ये ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है तो ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करेगा और डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ और टिश्यूज़ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, जैसे लिवर की तरफ, हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ तो ऐसे कम जाते हैं, ब्रेन की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर जाके इसने दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देना है। तो एक ऑर्गन से जब दूसरे ऑर्गन की तरफ, जिसके साथ वो अटैच नहीं था फिजिकली, वहाँ पर जब ये ट्यूमर चला गया तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। और अभी आपको नजर आ रहा है कि ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, सही है? तो अब आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ना है, इन्वेजन और मेटास्टेसिस के बारे में हमने पढ़ना है कि ये जब इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यू को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करता है, कोलेजिनियस मटेरियल को करता है, कनेक्टिव टिश्यू को करता है तो कैसे करता है, और जब मेटास्टेसाइज होता है, ट्रैवल करता है तो किस तरह से ट्रैवल करके जाएगा, किन टिश्यूज की तरफ, किन ऑर्गन्स की तरफ, इसमें हाई पावर है कि इसने जाना और किन ऑर्गन्स की तरफ ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं ये जो इन्वेजन और मेटास्टेसिस है ये मेजर कॉज है जो कि कैंसर की वजह से बहुत ही ज्यादा खतरा भी कॉज कर देती है, मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी यानी डेथ रेट जो है ये और मेटास्टेसिस का प्रोसेस बढ़ाता है, क्योंकि अगर ये यहाँ से ट्रैवल करके लंग्स में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा तो डेथ हो सकती है, ब्रेन के अंदर जाएगा तो भी डेथ कॉज कर देगा। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और इसमें कहता है कि ये इन्वेजन एंड जो मेटास्टेसिस है इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो इसने अपने सराउंडिंग टिश्यूज को, एरियाज को इन्वेड करना है, इन्वेड करने के बाद इसने क्या करना है, यहाँ से इंट्रावस्कुलरली जाना है। ठीक है, सो इसने इंट्रावस्कुलरली एंट्रेंस करनी है, सही है, तो वेसल के अंदर जाना है, फिर वेसल के अंदर इसने ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलिंग के बाद इसने क्या करना है, एक्स्ट्रा विसेशन करनी है यानी वेसल से बाहर निकलना है। ठीक है, तो क्या करनी है, एक्स्ट्रा विसेशन करनी है, और एक्स्ट्रा विसेशन के बाद इसने किसी टिश्यू के अंदर ग्रो करना है, डिपॉजिट होना है, और जब वहां पर डिपॉजिट होना है तो पहले हमारे पास माइक्रो मेटास्टेसिस यानी छोटी सी मेटास्टीजन बनती है इनकी, फिर वो फर्दर ग्रो करती है तो मैक्रो मेटास्टेटिक ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, मैक्रो मेटास्टेटिक ट्यूमर, मेटास्टेटिक का मतलब ये कहीं और से आया है, मैक्रो का मतलब है लार्जर, और लार्जर ट्यूमर वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इन सारे स्टेप्स के ऊपर इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस जो है वो डिपेंड करती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चीज़ तो ये है ना कि इसने उस सराउंडिंग टिश्यू से, जिस टिश्यू के अंदर ये है, वहाँ से इन्वेड करना और बाहर निकलना। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताया डिफरेंट तरह के ट्यूमरस सेल पड़े हुए हैं और ये ट्यूमरस सेल जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से सराउंडिंग एरिया से डिफरेंट है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है और इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू भी है। सो सबसे पहले तो इसने इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करना ना और बाहर निकलना है, ये पहली चीज़ है। अब इन्वेजन के लिए इसको सबसे पहले तो ये पहली बात है कि ये आपस में चिपका हुआ होता है, ये भी डिफरेंट तरह इन्वेजन डिफरेंट स्टेप्स पे वो करती है। सबसे पहले तो ये है कि ये ट्यूमर सेल आपस में अटैच हुए भी होते हैं ई कैद्रन की मदद से। किसकी मदद से, ई कैद्रन की मदद से। तो सबसे पहले ये यहाँ से सेपरेट होगा और निकल के यहाँ आएगा और इस टिश्यू को खरीदना स्टार्ट करेगा और बाहर निकलेगा ना। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होनी है वो ये होनी है कि इंट्रा सेलुलरली कनेक्शन जो ट्यूमर सेल्स के दरमियान है उनकी लूजनिंग होनी है, या इसने लूजन होना है। ठीक है, लूजनिंग ऑफ इंट्रा सेलुलर कनेक्शंस बिटवीन सेल। ठीक है, डेफ्ट सेल्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो लूजन होना है और इसने फिर ट्रैवल करके बाहर जाना है। अब ये कनेक्शन कैसे लूजन होगा, इन दोनों सेल्स को आपस में कौन जोड़ के रखता है, ई कैद्रिन रखता है। और हमने कहा था कि ई कैद्रिन ना सिर्फ इन दोनों सेल्स को जोड़ के रखता है बल्कि अंदर बीटा कैटेनिन को स्टिमुलेट करता है, और बीटा कैटेनिन जो है उसको एपीसी जीन होती है वो तोड़ देती है और ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो कहता है हमारे पास ई कैद्रिन है, ई कैद्रिन नॉर्मली क्या कर रहा है, ना सिर्फ इन सेल्स को आपस में अटैच कर रहा है बल्कि इनके अटैचमेंट के साथ साथ बीटा कैटेनिन को बाइंड करके ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स भी देता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर ई कैद्रिन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया या लॉस ऑफ ई कैद्रिन एक्सप्रेशन हो गए तो जाहिर है ये अब आपस में अटैच नहीं रहेंगे, ये लूजन हो जाएंगे और एक दूसरे को छोड़ देंगे। ये जो ई कैद्रिन का लॉस है ये या तो सडन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या जीन्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो लॉस है वो दो तरीकों से हो सकता है, या तो कोई म्यूटेशन आ गई
या फिर हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये वाले दो हम आगे भी पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है SNAIL स्नेल और TWIST ट्विस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्नेल और ट्विस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और जब ये ओवर एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ई कैदरिन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं या डाउन रेगुलेट करते हैं। सो अगर स्नेल एंड ट्विस्ट के एक्सप्रेशन ज़्यादा होंगे तो ई कैदरिन डाउन रेगुलेट हो जाएगा, ई कैदरिन डाउन रेगुलेट होगा तो इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे और सेल लूज कर जाएगा और मतलब अपने जो एडजेसेंट इसके सेल्स हैं, ट्यूबरस सेल्स हैं, उनसे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब जब सेपरेट हो गया है और ये यहाँ पर आ गया है फॉर एग्जांपल, तो अब इसने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होती है कॉलेजन होता है, उसके अलावा प्रोटीओग्लाइकन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब इसने इसको डिग्रेड करना और यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, सो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो लूजिंग हो गया, अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि डिग्रेडेशन होनी है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ट्यूमर सेल इसकी डिग्रेडेशन किस तरह से करते हैं, दो तरह से। ठीक है, ट्यूमर सेल्स जो हैं वो खुद डायरेक्टली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाना शुरू कर देंगे और वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो हेल्प करेंगे डिग्रेडेशन में, या फिर ये ट्यूमर सेल जो हैं ये इंड्यूस करते हैं स्ट्रोमल सेल्स को। और स्ट्रोमल सेल्स क्या करते हैं, क्या यार मैंने उस नया मार्कर है फिर भी देने खराब। अच्छा, ये स्ट्रोमल सेल्स को इंड्यूस करते हैं और स्ट्रोमल सेल्स कौन से, फाइब्रोब्लास्ट हो गए या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गए, उनको इंड्यूस करते हैं और उन्हें कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाओ। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनते हैं तो डिग्रेडेशन आसान हो जाती है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से बनते हैं जो डिग्रेडेशन करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मेटालोमैट्रिक्स पेरोक्सीडेज है। ठीक है, मैट्रिक्स मेटालोपरॉक्सीडेज, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो है वो यहाँ पे होता है कैथेप्सिन डी भी होता है, यूरोकाइनेज भी होता है और प्लाज्मिन एक्टिवेटर भी होते हैं। ठीक है, कैथेप्सिन डी भी होता है, यूरोकाइनेजेस भी होती हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी हैं। ये सारे के सारे रिलीज होंगे और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन में हेल्प करेंगे। ये जो मेटालोपरॉक्सीडेज हैं इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट बात ये करता है कि ना सिर्फ ये वहाँ पे डिग्रेडेशन करता है, रीमॉडलिंग करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, बल्कि साथ ही साथ ये बहुत सारी ग्रोथ फैक्टर भी प्रोवाइड करता है और प्रोलीफरेशन में भी हेल्प करता है। ये इस तरह के ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है जो कीमोटेक्टिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, एंजियोजेनिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और ग्रोथ प्रोलीफरेशन में भी हेल्प करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक मेटालोमैट्रिक्स ऑक्सीडेज 9 है। ठीक है, ये पूछते हैं ये मेटालोपरॉक्सीडेज जो 9 वाला है, ना सिर्फ ये कॉलेजन 4 का ब्रेकडाउन करता है बल्कि वहां से कॉलेजन 4 का ब्रेकडाउन करता है बल्कि वहाँ से वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, एंजियोजेनेसिस करते हैं। तो जो मेटालोमैट्रिक्स पेरोक्सीडेजेस हैं ना सिर्फ ये डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं बल्कि ये कुछ और फैक्टर रिलीज करके एंजियोजेनेसिस में और प्रोलीफरेशन में भी हेल्प करते हैं। सो डिग्रेडेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आ गई, या तो मेटालोपरॉक्सीडेज एंजाइम होंगे तो ये बड़ा हेल्प करेंगे डिग्रेडेशन करने में, दूसरा प्रोटीएजेस होंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा कैथेप्सिन, यूरोकाइनेजेस, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी करते हैं, लेकिन मेजर रोल इन दोनों का है। ठीक है, अब ये है कि ये एक ट्यूमर था और इसने क्या किया, अपने सेल से सेपरेट भी हो गया और इस वाले एरिया को डिग्रेड भी कर दिया। अब इसने यहाँ से बाहर निकलना है और ये लोकोमोशन वाला जो स्टेप है जो इसने मूव करके बाहर निकलना है, कहता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ गया, एक स्टेप आपने सबसे पहला समझ लिया कि लूजनिंग हो गई। ठीक है, लूजनिंग के बाद दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ लिया कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन होगी, प्रोटीएजेस और मेटालोपरॉक्सीडेजेस इन्वॉल्व थे और उसमें से भी मेटालोपरॉक्सीडेज जो है 9, उसकी आपने याद रखनी है बात कि वो कॉलेजन 4 को डिग्रेड करने के साथ साथ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करके एंजियोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। तीसरी बात, अब हमारे पास लोकोमोशन की है, यहाँ पे ये हमारे पास ट्यूमर सेल था जो बेचारा सेपरेट भी हुआ और उसने यहाँ से डिग्रेडेशन भी की, अब यहाँ से इसकी लोकोमोशन है और ये सबसे फाइनल स्टेप है। ठीक है, जब इसकी लोकोमोशन हो गई और यहां से अब ये बाहर निकल रहा है तो अब इसने क्या करना है, इंटर करना है वेसल को, और वेसल को इंटर करने के बाद इसने माइग्रेशन करनी है। और ये जो माइग्रेशन है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी हम बारी बारी इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब चीज हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाती है कि वेस्कुलर डाइजिमिनेशन होनी है। एक तो इसने वेसल में इंटर करना है और वेस्कल को डाइजिमिनेशन के बाद, मतलब वेसल्स को इंटर करने के बाद, इसने क्या करना है, डिफरेंट साइट्स की तरफ मूव करना है। तो ये कह रहा है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इंटर कर जाते हैं अपने टिश्यू से सेपरेट होने के बाद सर्कुलेशन को, और इस सर्कुलेशन में उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो बहुत सारे ट्यूमर सेल्स खुद भी हमें वेसल्स के अंदर मिलते हैं या फिर उनका जो डीएनए वगैरह है उसको सर्कुलेशन में डिटेक्ट किया जाता है सॉलिड ट्यूमर के सेल्स वगैरह को। ये जो ब्लड के अंदर ट्यूमर सेल्स पड़े हुए होते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं, हो सकता है यूं सेपरेट सेपरेट घूम रहे हों या फिर हो सकता है वेसल के अंदर सारे मिलके एम्बुलाई बन जाएं। ठीक है, सो दो फॉर्म्स में कहता है आपको वहां पे ये मिल सकते हैं।
और जब हमारे पास ये ट्यूमर सेल एक दफ़ा ब्लड में आ जाएंगे तो अब जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्यूमर जो है वो अब बिनाइन नहीं है, वो ब्लड को एंटर कर चुका है, वो डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, मेटास्टेसाइज करेगा और मेलिग्नेंसी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और मेलिग्नेंसी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि जब ये आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये टिशू था और इसमें ये ट्यूमर थे बहुत सारे, और ये यहाँ से एंटर करते हैं इस वेसल को, और वेसल के थ्रू इनका टारगेट है कि इन्होंने ना फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्गन के पास जाना है। अब बहुत सारे होस्ट के फैक्टर्स हैं जो कि इसकी माइग्रेशन को लिमिट करेंगे, ठीक है, बहुत सारे होस्ट के फैक्टर्स हैं जो इस माइग्रेशन को लिमिट करने की कोशिश करेंगे। होस्ट का ऐसा कौन सा फैक्टर है? हो सकता है होस्ट के इम्यूनिक सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हों, सेल्फ डिफेंस हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, तो वो इस ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। तो एक चीज़ क्या हो सकती है, होस्ट के डिफेंस सेल्स वहाँ पे मौजूद होंगे और वो उसकी क्या कर सकते हैं, किलिंग कर सकते हैं, तो ये भी इसके ऊपर यहाँ पे लिमिट लग सकती है। उसके अलावा ये कि यहाँ से ट्यूमरस सेल से बाहर निकलना, ट्यूमरस टिश्यू से बाहर निकलना तो बहुत आसान था, लेकिन जिस नॉर्मल वेसल के अंदर अब वो ट्रैवल कर रहा है, इस नॉर्मल वेसल के साथ इसकी एडहीजन होना और फिर यहाँ से बाहर निकलना ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। वेसल के अंदर उसका अटैच होना नॉर्मल वेसल में और वहाँ से फिर निकल के बाहर जाना, इन्वेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। टिश्यू से तो वो इन्वेड कर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब इसने डिफरेंट साइट्स पे पहुंचना है तो वहां पे भी बड़ा मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये यहां से निकल के आ भी गया और इसने यहां से आके इस टिश्यू को भी इंटर कर लिया, लेकिन हो सकता है वो इस डिफरेंट साइट पर भी ग्रो ना कर सके, ठीक है, वो इस डिफरेंट साइट पर भी ग्रो ना कर सके। अब वो इस साइट पर क्यों नहीं ग्रो कर सकेगा? हो सकता है यहां पर वो स्ट्रोमल सपोर्ट नहीं है जो सपोर्ट उसे चाहिए थी ग्रो करने के लिए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि जब ये किसी रेजिडुअल किसी साइट में इंटर कर गया है तो वहाँ पे हो सकता है रेजिडुअल इम्यून सिस्टम्स भी होते हैं ना, मैक्रोफेजेस होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर दें तो बहुत सारी लिमिट्स लग सकती हैं कैंसर सेल्स पे। अगर उसने इन्वेड कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, अभी भी उस कैंसर को बॉडी रोक सकती है। कैसे रोक सकती है? या तो सर्कुलेशन के अंदर होस्ट सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या सर्कुलेशन से उसका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। अगर वो बाहर निकल गया तो मे बी ऑर्गन के अंदर जाके वो ग्रो ही ना करे, इसलिए ग्रो ना करे कि स्ट्रोमल सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, या फिर उस टिश्यू के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर रेजिडुएंट इम्यून सेल्स हैं और वो रेजिडेंट इम्यून सेल्स उसकी क्या कर दे, किलिंग कर दे। तो ये कुछ होस्ट डिफेंस फैक्टर्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट काम करते हैं। एक और बात यहाँ पे डोरमेंसी की हुई है, समटाइम्स ये होता है बच्चों कि ये हमारे पास एक टिश्यू है और यहाँ पे एक कैंसर आ गया है, ट्यूमर सेल आ गया है और उसने ग्रो करना है। अब वो ट्यूमर सेल शुरू में मैंने बताया है कि माइक्रो मेटास्टैटिक ट्यूमर की फॉर्म में होता है, और अगर वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो मैक्रो ट्यूमर बन जाता है। समटाइम्स ये जो माइक्रो मेटास्टैटिक ट्यूमर है इसको यहाँ पे वो सपोर्ट वगैरह नहीं मिलती तो ये डोरमेंसी की स्टेज में चला जाता है, ठीक है। डोरमेंसी समझते हो, डोरमेंसी में ये है कि वो जिंदा तो है, सर्वाइवल तो है उसका, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, प्रोग्रेशन नहीं हो रही, उसकी फैल नहीं रहा, ठीक है। अब डोरमेंसी की स्टेज में जब वो चला जाता है, यानी वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा, मर भी नहीं रहा और ग्रो भी नहीं कर रहा, तो ये एक हमारा होस्ट जो डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से एक लास्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर ट्यूमरस सेल। लेकिन अगर ये डोरमेंसी से बाहर निकल आता है और ग्रो करना शुरू कर देता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है मेलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। ये जो डोरमेंसी की स्टेज में चला जाता है, ये बहुत कैंसर्स में देखा गया, ब्रेस्ट कैंसर्स में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डोरमेंसी की स्टेज में होते हैं, इतने डेंजरस साबित नहीं होते, फिर सर्जरी और ऑपरेशन वगैरह करके उन एरियाज को जहाँ पे ये डोरमेंसी की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है रिमूव कर लिया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में और डिफरेंट स्किन ट्यूमर में, मेलानोमा वगैरह में जो माइक्रो मेटास्टैटिक ट्यूमर है वो डोरमेंसी की फॉर्म में पाए गए। डोरमेंसी से बस इतना मुराद है कि वो डेड नहीं होते, सर्वाइवल रेट होता है उनका, प्रोलॉन्ग सर्वाइवल हो जाता है, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब अगर इतनी लिमिटेशंस जो हैं वो नहीं कंट्रोल कर सकी उसको, और उसने क्या करना है, मेटास्टेसाइज करना ही करना है, डिफरेंट टिश्यूज को एंटर भी करना और वहाँ पे ग्रो भी करना है, तो ये मेटास्टेसिस की भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेटास्टेसिस के उसने किस टिश्यू में जाना है, किस ऑर्गन की तरफ जाना है सर्कुलेशन में से निकल के, ये एक तो डिपेंड करता है एनाटॉमिक पोजीशन पे भी कि कहाँ से ट्यूमर है और वो कहाँ पे मूव करके जा रहा है, दूसरा ये डिपेंड करता है लिम्फैटिक ड्रेनेज पे भी, ठीक है। हमें पता है लिम्फ्स के थ्रू भी ये ड्रेन होता है, लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू भी स्प्रेड होता है, तो जहाँ लिम्फ जाके ड्रेन हो रहे होते हैं ये उसको वहाँ साथ साथ ले जाते हैं। या फिर एक थर्ड चीज़ होती है हमारे पास ट्रोपिज्म टू स्पेशल टिश्यूज। अब इस स्पेशल टिश्यूज का क्या मुराद है ये मैं आपको बताती हूँ। एनाटॉमिकली अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे टिश्यू जो उसके एडजेसेंट करीब टिश्यू पड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे किडनीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किडनीज हैं और इनमें से जो ब्लड है वो एब्डोमिनल एओटा की तरफ से आ रहा होता है। और अगर हम ड्रेनेज की बात करें, वापसी की बात करें, या लिम्स की बात करें, या वेन्स की बात करें, तो आपको पता है वो कहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं, इन्फीरियर वेना कैवा में, और इन्फीरियर वेना कैवा से कहाँ चली जाती हैं, हार्ट के राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ट्यूमर्स हैं ना वो कहाँ पे जाके ड्रेन होते हैं, या तो लंग्स में ड्रेन होते हैं बहुत ही ज़्यादा, या फिर लिवर में ड्रेन होते हैं, ठीक है। अब लिम्स पे भी डिपेंड करता है, लिम्स नोड्स के साथ उन्होंने ड्रेन होता है, लेकिन कहता है ये बड़ी क्लियर नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंग्वाइनल लिम्फ नोड है और वो जाके ड्रेन हो रहे हैं
इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में, तो कार्सिनोमास भी वहीं होंगे। सम टाइम ये उन लिम्फ नोड को मतलब ऐसे ओवरकम क्रॉस भी कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रास्ते में ये एक लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, तो यहाँ से ट्यूमर डायरेक्टली यहाँ पे हो सकता है ना भी ड्रेन हो या यहाँ पे ग्रो ना भी करे, इसको ओवर पास कर जाए और नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जाके वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे। तो डिफरेंट तरह की एक्सेप्शन जो है वो ट्यूमर्स के अंदर मौजूद है। अब ऐसी भी बात है कि ट्रोपिज्म होती है स्पेशल टिश्यूज के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो प्रोस्टेटिक ट्यूमर है ना, या प्रोस्टेटिक सेल्स हैं, या प्रोस्टेटिक प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाता है तो अब उनके सेल्स भी तो लिम्फ नोड से गुजरते हैं ना, ब्लड वेसल से गुजरते हैं, लेकिन उनमें टेंडेंसी है वो स्पेशली मूव करते हैं कहाँ में, बोन में जाते हैं और बोन का कैंसर कर देते हैं। मेल्स के अंदर अगर बोन्स का कैंसर हो, ऑस्टियोब्लास्टिक ट्रोमा हो या ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर्स हो, तो हम फौरन उसको प्रोस्टेट कैंसर के लिए एग्जामिन करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेटिक ट्यूमर सेल स्पेसिफिकली, ट्रोपिज्म का ये मतलब होता है कि कुछ कैंसर स्पेसिफिकली एबिलिटी रखते हैं कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज की और वहीं पर जाते हैं। जैसे कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास अगर होंगे तो ब्रोंकोजेनिक ने ट्रेवल करना है और कहाँ पर जाना है, एड्रीनल ग्लैंड की तरफ या ब्रेन की तरफ। अब उनके एडजेसेंट टिश्यूज भी और बहुत सारे हैं, उनके लिम्फ ड्रेनेज में भी पहले नहीं आता ना ही एड्रीनल ग्लैंड आता है, लेकिन वो इधर ही जाते हैं। या फिर न्यूरोब्लास्टोमास है तो वो भी ग्रो करते हैं टुवर्ड लिवर या फिर टुवर्ड बोन्स। तो ये डिफरेंट तरह की एक्सेप्शंस हैं कि कुछ स्पेशल सेल्स जो हैं वो कुछ स्पेशल टिश्यूज की तरफ ही ग्रो करना पसंद करते हैं। ये जो ट्रोपिज्म है इसकी फिर उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ट्रोपिज्म क्यों है। शायद इसलिए है कि जैसे कि एक प्रोस्टेट कैंसर है अगर, तो प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर कुछ ऐसे एडहीजन मॉलिक्यूल हैं कि उनके रिसेप्टर सिर्फ बोन में ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो सिर्फ बोन में जाते हैं, वहां पर अटैच हो जाते हैं, वहां ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकती है कि ट्यूमर सेल्स के ऊपर जो एडहीजन मॉलिक्यूल हैं, उन एडहीजन मॉलिक्यूल के रिसेप्टर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में हैं, सो इसलिए वो वहां पे चले जाते हैं। या दूसरी बात ये भी है कि कुछ ट्यूमर सेल्स स्पेशली कीमोकाइंस रिलीज करते हैं जो कि उनको गाइड करते हैं टुवर्ड अ स्पेसिफिक टिश्यू। या थर्ड रीजन वो ये भी दे रहा है कि कुछ टिश्यूज जो हैं वो नॉन परमिसिव होते हैं, वहां पर ट्यूमर ग्रो नहीं करता, इसलिए वो उन एरियाज को लीव करके आगे चले जाते हैं। जैसे कि आपने याद रखना है हमारा स्केलेटल मसल है और स्प्लीन है, ये लीस्ट लाइकली है यहां पर ट्यूमर बहुत कम ग्रो करता है, ऑल्दो इनकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक है लेकिन ये नॉन परमेसिव होते हैं, यहाँ पे ट्यूमर इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। सबसे ज्यादा ट्यूमर ने कहाँ जाना होता है, लिवर और लंग्स में। मेटास्टेसिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, लिवर और लंग है। लीस्ट कॉमन कौन सी है, स्किन है और स्प्लीन है। और स्पेसिफिक साइट जैसे कि बताया प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन है, बोन्स है। न्यूरोब्लास्टोमा के लिए जैसे बताया लिवर और बोन है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के लिए क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है और उसके अलावा ब्रेन है, ठीक है। सो ये स्पेसिफिक साइट्स भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब उसके बाद आगे वो बात कर रहा है कि चलो ठीक है, ये एक लोकल टिश्यू था, यहाँ से वो लूजन भी हो गया, उसने इसको इन्वेड भी कर लिया, वो ब्लड वेसल को भी इंटर हो गया, ब्लड वेसल में बहुत सारे होस्ट मैकेनिज्म उसको मार सकते थे, उन मैकेनिज्म्स को छोड़ के वो स्पेसिफिकली एक टिश्यू की तरफ आ गया है, मेटास्टेसाइज हो गया है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो मेटास्टेसिस का प्रोसेस है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी पिछली उसमें भी चैप्टर में भी शुरू में भी, कि जो मेटास्टेसिस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो शुरू में ये बात की गई कि हमारे पास ना ऐसे ट्यूमर जो लार्जर ट्यूमर्स होते हैं, लार्जर कार्सिनोमास होते हैं, वो मेटास्टेसाइज करते हैं, जबकि स्मॉलर वाले जो हैं वो इतना रेयरली मेटास्टेसाइज नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये बात गलत साबित हो गई, क्योंकि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा वो एक छोटा सा ट्यूमर है लेकिन वो हमेशा मेटास्टेसाइज करता है, वो हमेशा दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जाता है। और कुछ लार्जर कार्सिनोमास देखे गए जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा था तो वो तो मेटास्टेसाइज नहीं करता था, तो और स्मॉलर वाली बात तो खत्म हो गई। इसका मतलब है जो मेटास्टेसिस है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर किस पे डिपेंड करती है, तो शायद ये प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी बाय चांस हो जाती है कुछ ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं, मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी पुअर प्रोग्नोसिस है, या फिर ट्यूमर सेल्स के अंदर कुछ अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि इधर इस ट्यूमर ने लोकलाइज रहना है या फिर इसने डिफरेंट टिश्यूज की तरफ ग्रो करना है, ठीक है। अब ये भी देखा गया कि शायद हमारे पास कुछ ट्यूमर सेल्स हैं वो तमाम म्यूटेशंस होती हैं उनके पास जो कि किसी मेटास्टेसाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन फिर एक ऐसा ट्यूमर सेल भी देखा गया कि उसमें वो तमाम म्यूटेशंस मौजूद थी लेकिन फिर भी वो मेटास्टेसाइज नहीं कर रहा था। तो ऐसी क्या चीज है जो इनकी मेटास्टेसिस कराती है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। हम अगर कह देते हैं कि साइज पर डिपेंड करता है तो वो भी गलत साबित हो गया। फिर हमने कहा ये कोई 10 जीन्स हैं इनमें म्यूटेशन होगी तो वो मेटास्टेसाइज कर जाएगा, ठीक है। एक कैंसर ऐसा था कि उसकी 10 जीन में म्यूटेशन और वो मेटास्टेसाइज कर रहा था, लेकिन सेम एक ऐसा था उसमें भी ये सारी म्यूटेशन मौजूद थी लेकिन वो मेटास्टेसाइज नहीं कर रहा था। इसका मतलब है ये भी मेटास्टेसिस को डिफाइड नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक जीन्स हैं जो मेटास्टेसिस को कंट्रोल करती हैं? हाँ शायद होंगी, और अगर होंगी तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मेटास्टेटिक ऑन्कोजीन है। और इन मेटास्टेटिक ऑन्कोजीन के बारे में अगर हमें सही से डिस्कवरी मिल जाए, मॉलिक्यूलर बेसिस पता चल जाए, तो ये प्रोग्नोसिस में
और थेरापूटिकली बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगी, क्योंकि अगर मेटास्टैटिक जीन्स का हमें पता चल जाए और उन्हें हम इनहिबिट कर दें, या अगर वो ओवर एक्सप्रेस हुई हुई हैं तो हम उन्हें ब्लॉक कर दें, और अगर अनरेगुलेटेड हैं या अंडर रेगुलेशन हुई हुई है, अंडर एक्सप्रेस हुई हुई हैं, तो हम उन्हें ओवर एक्सप्रेस करके या उनके लेवल को बढ़ा के मेटास्टेसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर मेटास्टेसिस नहीं होगी तो ट्यूमर ऑब्वियसली बात है बिनाइन है, और बिनाइन ट्यूमर की प्रोग्नोसिस बड़ी अच्छी है, तो हम बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट कर सकेंगे। ऑल दो इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि एक जीन्स हैं जिन्हें मेटास्टैटिक ऑन्कोजीन इसलिए कहते हैं, वो जीन है हमारे पास स्नेल और ट्विस्ट। कौन सी जीन है? स्वेल और स्नेल और ट्विस्ट है। ये वाली जीन जो है ये क्या करती हैं, ये एंडोथीलियल टू मीजेनकाइमल ट्रांजिशन करती हैं, ठीक है। जब एंडोथीलियल टू मीजेनकाइमल ट्रांजिशन होती है तो इसके हमारे पास ऐसे इफेक्ट्स आते हैं जो कि मेटास्टेसिस को फेवर करते हैं। तो शायद वो जीन जो स्नेल एंड ट्विस्ट के लिए इनकोड करती हैं, उनका कोई रोल है मेटास्टेसिस में, या वो मेटास्टेसिस करवाती हैं, या शायद वो मेटास्टेसिस को कंट्रोल कर सकती हैं। जब ये वाली जीन कोड करती हैं स्नेल एंड ट्विस्ट के लिए, तो स्नेल एंड ट्विस्ट क्या करता है, एंडोथीलियल टू मीजल काइमल ट्रांजिशन को बढ़ा देता है। जब इसके लिए ट्रांजिशन बढ़ती है तो हमने ये देखा कि एक तो जो ई कैदरिन है उनके एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। जब डाउन रेगुलेट हो जाते हैं तो वो जो टोटली आपस में अटैच थे वो जाहिर अब सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होंगे तो इसका मतलब है वो मेटास्टेसाइज करेंगे, और साथ ही साथ ये कुछ उसके अंदर फिनोटिपिक ऑल्टरेशन भी लेके आती है, ठीक है। फिनोटिपिक ऑल्टरेशन क्या लेके आती है कि पहले जो मीजेनकाइमल सेल्स में ट्रांजिशन हो रही थी वो सेल जो है वो पॉलीगोनल एपिथेलॉइड सेल्स थे, लेकिन उनको कन्वर्ट कर देती है स्पिंडल मीजेनकाइमल शेप के अंदर, और साथ ही साथ प्रोटियोलाइटिक चेंजेस को एनहांस करती है। प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन को इवेड करने में हेल्प मिलती है, और वो डिस्ट्रॉय करके डिग्रेड करके बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है मेटास्टेसिस के लिए कंडीशन सेट करती है स्नेल एंड ट्विस्ट जीन। सो स्नेल एंड ट्विस्ट जीन में भी मेटास्टेटिक है, मतलब ये मेटास्टेसाइज करने में हेल्प करती है समहाउ। अगर हम इन्हें ब्लॉक कर लें तो मे बी हम मेलिग्नेंसी, बिनाइन ट्यूमर को मेलिग्नेंसी में लेके जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, ये बात आपने याद रखनी है कि स्नेल एंड ट्विस्ट कराते हैं एपिथीलियल टू मीजेनकाइमल ट्रांजिशन, और इसका रोल जो है वो हमें लग रहा है सम हाउ टुवर्ड मेटास्टेसिस। अब नेक्स्ट बात हम लोगों ने करनी है, आखिरी हॉलमार्क है हमारे पास, और वो क्या है, इवेजन ऑफ इम्यून सर्वेलेंस। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपको पता है कोई भी जब फॉरेन एजेंट आ गया या कोई भी अब नॉर्मल चीज़ होगी या फिर ठीक सेल ठीक नहीं है तो इम्यून सिस्टम भी तो उसको क्या कर सकता है, खा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, मार सकता है। लेकिन ट्यूमर सेल्स को क्यों नहीं मारता, ट्यूमर सेल्स के इफेक्ट से ये बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकल जाते हैं,